हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे यूरिटिन डी टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि ये जो यूरिटिन डी टेबलेट जो है, इसके आपको क्या फ़ायदे वगैरह मिलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, क्या क्या सॉल्ट्स वगैरह इसमें डाले गए हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। यूरिटिन डी टेबलेट जो है दोस्तों, इसको बनाया जाता है ओवरसीज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा। ओके, इस टेबलेट में क्या है दोस्तों, कुल दो प्रकार के सॉल्ट जो है डाले गए हैं। एक तो दोस्तों इसमें टैम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा दोस्तों इसमें रोटेस्टेराइड। ओके, टैम्सुलोसिन जो है दोस्तों इसमें 0.4 mg डाला गया है। ओके, और ये जो डोटेस्टेराइड जो है इसमें 0.5 mg ग्रुप में डाला गया है। ठीक है, प्राइस एंड पैकिंग की बात की जाए तो दोस्तों 10 टेबलेट्स की पैकिंग का इसका प्राइस है लगभग 320 रुपये के करीब। ठीक है, आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं इसके उपयोग और फायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है प्रोस्टेटिक हाइपरलेशिया का इलाज करने के लिए। ठीक है, जो कि सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरलेशिया जिसे हम बोलते हैं, उसका इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जब आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है बढ़ जाती है और यह मूत्र संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि पेशाब करने में कठिनाई आना और बार बार या तत्काल शौचालय जाने की आवश्यकता होना। ठीक है, तो इससे क्या है दोस्तों, मूत्र प्रवाह भी धीमा हो सकता है। यदि इलाज नहीं किया गया तो जोखिम है कि आपका मूत्र प्रवाह जो है, पेशाब आना बिल्कुल तरह से बंद हो सकता है। ठीक है, तो यूरिटिन डी टेबलेट जो है दोस्तों, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ल्यूटेस्टेराइड और टैम्सुलोसिन। ड्यूटेस्टेराइड क्या है दोस्तों, एक हार्मोन के उत्पादन को अवरुद्ध करके आपका प्रोस्टेट के आकार को कम कर देता है, जो इसके बढ़ने का कारण बनता है। ठीक है, और टैम्सुलोसिन क्या है दोस्तों, मूत्राशय, अरे यार एक मिनट, ये क्या है दोस्तों, मूत्राशय जो मांसपेशियां जो होती हैं प्रोस्टेट में, जो मांसपेशियां जो होती हैं उनको आकार देकर काम करता है, साथ में वह लक्षणों से तेज़ी से राहत दिला सकती है। ओके, और पेशाब करना भी आसान बना सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिटिन डी टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की है तो दोस्तों, कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुरुषों में स्तन वृद्धि, पुरुषों में स्तन कोमलता, चक्कर आना, खड़े होने पर मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है अचानक कम हो जाना, कामेच्छा में कमी हो जाना, नपुंसकता वगैरह। ठीक है, तो ये जो साइड इफेक्ट्स वगैरह जो है आपको देखने को मिल सकते हैं इस टेबलेट के उपयोग के दौरान। वैसे दोस्तों, ये जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें क्या दोस्तों, किसी डॉक्टरी देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बना लेता है तो साइड इफेक्ट्स भी धीरे धीरे आपकी बॉडी से समाप्त हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहे, आपको लंबे समय तक परेशान करे, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं कि यूरिटिन डी टेबलेट जो है, ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों, यूरिटिन डी टेबलेट जो है, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, टैम्सुलोसिन और रोटेस्टेराइड, जो दोस्तों सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरलेसिया के लक्षणों से राहत देती है। टैम्सुलोसिन क्या है दोस्तों, एक अल्फा ब्लॉकर है। ठीक है, यह मूत्राशय के निकास और प्रोस्टेट ग्रंथि के आसपास के मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है। ठीक है, ताकि जो पेशाब जो है दोस्तों आसानी से निकल सके। ठीक है, और ड्यूटेस्टेराइड क्या है दोस्तों, एक 5-अल्फा रिडक्टस अवरोधक है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ने में मदद करने वाले हार्मोन के लेवल को कम करके प्रोस्टेट ग्रंथि को सिकुड़ने में मदद करता है। बस ये ऐसे काम करते हैं दोस्तों हमारी बॉडी में यूरिटिन डी टेबलेट। तो ये थी जानकारी दोस्तों यूरिटिन डी टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो आप वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।